एमपी बोर्ड की कक्षा 7 में पढ़ने वाले सभी मेरे दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यहाँ पर आपका पहला पेपर, जो कि 5 अप्रैल को होने वाला है, विज्ञान का 101% असली रियल पेपर। आज आज अभी अभी एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी हाँ, यही का यही पेपर आपको पूरा छपने वाला है। जिस तरह हमने आपको अर्धवार्षिक में सभी विषयों के रियल पेपर दिए थे, उस तरह अब हम आपको विज्ञान का भी असली पेपर देने वाले है। तो यदि आप इसे पूरा तैयार कर लेते हो तो आप पूरे 60 में 60 अंक लेकर आने वाले है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्या नाचोगे? नहीं। एमपी बोर्ड की कक्षा 7 में पढ़ने वाले मेरे सभी दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। जिस तरह हमने आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी विषयों के असली पेपर दिए थे, उसी तरह हम आपको यहाँ पर वार्षिक परीक्षा के भी सभी विषयों के असली पेपर देने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर 5 अप्रैल का होने वाला विज्ञान का 101% रियल पेपर बताने वाला हूँ विद सॉल्यूशन, जिसे यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप परीक्षा में 60 में से 60 अंक लेकर भौकाल मचाकर आने वाले हो। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। मैं आपका जो है बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं। तो प्रश्न एक हम देखते हैं, इसका यहाँ पर आपको संयोजी को मिलान करना था। तो देखिए, बसक की संयोजी मिलेगी घी और तेल से, विटामिन ए की ग्वादर से, विटामिन सी की आंवले से, विटामिन डी की सूर्य के प्रकाश से। तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ए की 2 से, बी की 1 से, सी की 4 से, डी की 3 से। प्रश्न 2 हम देखते हैं, कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चीनी। प्रश्न 3 है, उत्क्रमित किए जाने वाले परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आप लिख देंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, गीले कपड़े से सूखे कपड़े। प्रश्न 4 हम देखते हैं, पर्वतीय प्रदेशों के बच्चों के पत्ते होते हैं? तो उसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुई के पत्ते के आकार के। प्रश्न 5वां में दिया, हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं कहलाते हैं? इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपन। प्रश्न 6 है, सिलाई मशीन में सुई की गति करना निम्न में से किस गति का उदाहरण है? इसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, रेखीय गति। प्रश्न 7वां है, दिए गए परिपथ में दोनों तारों के मध्य किस वस्तु को रखने पर बल्ब जल जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी, लोहे की छड़। प्रश्न 8वां हम देखते हैं, दिए गए चित्र में बुझो एक जलती हुई मोमबत्ती को दो भिन्न नलिकाओं चित्र आ एवं बा में देखता है, किस स्थिति में आग से मोमबत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई देगी? तो उसका राइट आंसर आप यहां पर लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल आ चित्र में। प्रश्न 9वां हम देखते हैं, दो चुंबकों के समान ध्रुवों को स्पर्श पर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी, सदैव प्रतिकर्षण। प्रश्न क्रमांक 10वां हम देखते हैं, लंबाई का SI मात्रक है? उसका राइट आंसर आप लिखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मीटर। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक में आपको जो प्रत्येक प्रश्न है 3 अंक का रहने वाला है। तो प्रश्न 11 हम देखते हैं, शरीर में आयोडीन की तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, लोह की कमी से एनीमिया रोग और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपेनिया हो सकता है। इसके आवश्यक स्रोत है दूध, अंडा, पालक आदि। अब प्रश्न क्रमांक 12वां हमारा, कठोर पदार्थ तथा कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? दोनों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो इनका उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरह आप यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 13वां है, बैलगाड़ी के पहिए पर धातु की रिम को कैसे चढ़ाया जाता है? तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 14वां हम देखते हैं, इसको उत्तर आप लिखेंगे, घास के मैदानी क्षेत्रों में शाकाहारी जंतु तथा मांसाहारी जंतु रहते हैं, हिरण आदि जंतु को दौड़कर पकड़ने के लिए शेर चीता आदि को तीव्र गति की आवश्यकता है?
प्रश्न 15 उद्दीपन किसे कहते हैं? पौधों तथा जंतुओं में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के कोई एक एक उदाहरण लिखिए, तो उसको उत्तर आप यहाँ पर दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, किसी चलते हुए साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियों में समानता तथा असमानताएं लिखिए, तो उसको उत्तर भी आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 प्रकृति में आप कोई परिवर्तन की घटना देखते हैं, कोई एक क्रियाकलाप द्वारा स्पष्ट करें, तो उसको उत्तर आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 इसको उत्तर आप लिखेंगे, एक स्विच एक विद्युत संकेत को यांत्रिक रूप से बदलने के लिए बाहरी बल पर प्रतिक्रिया करता है, स्विच ऑन की स्थिति में विद्युत परिपथ पूरा होगा। अब हम देखते हैं यहां पर अपना प्रश्न क्रमांक 19 विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, चित्र द्वारा समझाइए, तो उसका उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर। अब देखते हैं वहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 20 चुंबकीय पदार्थ तथा अन्य चुंबकीय पदार्थ में उदाहरण देकर अंतर स्पर्श करें, तो उसको उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। अब प्रश्न क्रमांक 21 और 22 आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न आपका यहाँ पर 5 अंक रहने वाला है, तो आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थल में रहने हेतु ऊंट में कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है लिखिए, तो इसको उत्तर भी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका प्रश्न 22 मोमबत्ती का जलना था मोम को गर्म करना दोनों परिवर्तनों को स्पष्ट करें, तो यहाँ पर इसको उत्तर आप देख सकते हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे मुठिया बेलने जाना है, बाय।